नमस्कार, अजस्टो मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा। अजस्टो मनी गुरु से आप सभी से मुखातिब होती हूं। बात करेंगे शो में चाय के उत्पादन के बारे में, जो 20% के जोरदार उछाल के साथ देखा गया है। मौसम की मार की वजह से चाय उत्पादन में भारी कमी दर्ज की गई है, जो अब ऊँची कीमतों के रूप में देखी जा रही है। सालाना आधार पर चाय उत्पादन में 30% तक की गिरावट आई है। चाय की कीमतों में 20% का उछाल देखा गया है, जो आगे भी जारी रहने का अनुमान है। इस बढ़ोतरी से उत्पादकों व कारोबारियों को राहत मिली है, तो उपभोक्ताओं को अधिक जेब ढीली करनी पड़ेगी, जबकि उपभोक्ता पहले से ही सब्जियां, दालों व प्याज की कीमतों से बेहद परेशान हैं। भारत में चाय की कीमतें आसमान छू रही हैं, क्योंकि मौसम की मार से उत्पादन में कमी आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये कीमतें और भी ऊँची रहेंगी, क्योंकि कटाई के मौसम में गर्मी और बाढ़ के चलते प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में उत्पादन में कमी आई थी। कीमतों में ये उछाल संकट से जूझ रहे भारतीय चाय उद्योग को सहारा दे सकती है, जो पिछले एक दशक से चाय कीमतों में मामूली वृद्धि के बीच बढ़ती उत्पादन लागत से जूझ रहा है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि विपरीत मौसम के चलते चाय उत्पादन पर असर पड़ा है। मई में अत्यधिक गर्मी और उसके बाद असम में लगातार बाढ़ के चलते उत्पादन में कमी आ रही है। सरकार की तरफ से 20 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले से भी उत्पादन प्रभावित हुआ है। वहीं मई में भारत का चाय उत्पादन एक साल पहले की तुलना में 30% से अधिक गिरकर 90.92 मिलियन किलोग्राम रह गया। ये पिछले एक दशक से भी अधिक समय से कम है। चाय बोर्ड आंकड़ों के मुताबिक जून के आखिरी हफ्ते में औसत चाय कीमतें बढ़कर 217.53 रुपये प्रति किलोग्राम हुई, जो एक साल पहले की तुलना में लगभग 20% अधिक है। वहीं भारत में कुल चाय उत्पादन का आधे से अधिक हिस्सा जुलाई से अक्टूबर के दौरान तोड़ा जाता है। 2024 में औसत चाय कीमतें पिछले साल की तुलना में 16% से 20% तक अधिक हो सकती हैं। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक 2024 के पहले 4 महीनों में भारत का चाय निर्यात एक साल पहले की तुलना में 37% बढ़कर 92 मिलियन किलोग्राम रह गया है। सर्वाधिक चाय निर्यात मिस्र व यूनाइटेड किंगडम, इराक और ईरान व रूस को की जाती है। दोस्तों, अजस्ट्रो मनी गुरु बैलेंस कम्युनिटीज़ पर काम करके पूर्ण विश्लेषण के साथ आपको और जानकारी देते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।